अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखते हैं तो आप अपनी यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिख पाएंगे। और शॉर्ट आंसर में अगर ये पूछा जाता है तो 2 मार्क्स, और लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है तो भी इसके कुछ मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। तो स्वागत है आप सभी सब्सक्राइबर्स का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में, और हमारे इस चैनल पर आने वाले नए व्यूअर्स का। तो आप समझ ही गए होंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉम्पटन इफेक्ट के ऊपर। तो ये कई तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैंने सामने लिख भी दिया है कि जैसे व्हाट इज कॉम्पटन इफेक्ट पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है व्हाट इज कॉम्पटन शिफ्ट, या पूछा जा सकता है व्हाट इज कॉम्पटन स्कैटरिंग। ये तीनों क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की कैटेगरी के क्वेश्चन हैं, जो मोस्टली यूनिवर्सिटी में बीएससी बीटेक लेवल पर पूछे जाते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स में या कहें कि मॉडर्न फिजिक्स में पूछे जाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कॉम्पटन जो साइंटिस्ट थे एएच कॉम्पटन, जिनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, और इसकी शुरुआत से लेकर एंड तक कई सालों की एक जर्नी रही जिन पर इनको नोबेल प्राइज मिला, और उसे हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ मिनट में कंक्लूड करने जा रहे हैं। तो ये एक इतना आसान नहीं है इस चीज को समझना जो कि उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों ने इतनी मेहनत करी और इस रिजल्ट तक पहुंचे, और पूरी जो फिजिक्स का जो फिनोमेना ही था वो ही चेंज करके रख दिया था इस एक्सपेरिमेंट ने, जिसको हम कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो समझते हैं चलिए इसको डिटेल में कि ये क्या है। तो ध्यान रखना है हमें कि ये कॉम्पटन जो इफेक्ट है हमारा 1922 में एएच कॉम्पटन जो थे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के एक एचओडी उस समय थे, जिस समय ये परफॉर्म कर रहे थे एक्सपेरिमेंट को, और 1923 में इन्होंने अपने जितने भी रिजल्ट्स थे कॉम्पटन इफेक्ट के उनको फिजिकल रिव्यू जो रिसर्च पेपर पब्लिश करती है एजेंसी उस पर इन्होंने पब्लिश किया था। और 1923 के बाद जो इनकी ये थ्योरी थी जिनको इन्होंने ऑब्जर्व किया था, कंसेप्ट जो था प्रैक्टिकली इन्होंने परफॉर्म किया था, 1927 में ये अवार्ड हुआ एज ए नोबेल प्राइज। तो समझते हैं इसको डिटेल में क्या है। तो इसको समझने के लिए सबसे बेसिक चीज, नाम से ही पता लगता है कॉम्पटन स्कैटरिंग अगर लिख के आता है तो स्कैटरिंग का ही ये एक जनरल फिनोमेना है, इस बात को आपको याद रखना है। और कैसा फिनोमेना है स्कैटरिंग का, जिसमें फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट की अगर हम बेसिक की बात करें तो कॉम्पटन जो थे 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट थे, और इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स की, कॉम्पटन इफेक्ट के बेसिक्स की। लास्ट तक जरूर इसको देखिएगा ताकि आपकी बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि हम जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो उस टाइम पर यानी कि बात करूं मैं अगर आइंस्टीन से, और उससे भी पहले की बात करूं न्यूटन की, तो न्यूटन और जो न्यूटन ने थ्योरी दी थी, न्यूटन ने यह कहा था कि लाइट जो है वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। उसके बाद जब हाइगेंस आए, इन्होंने वेव प्रोपोगेशन थ्योरी की बात करी, उन्होंने कहा नहीं लाइट जो है वो वेव की तरह भी पार्टिसिपेट करता है, उसमें दोनों तरीके के फीचर होते हैं। तो इस चीज से इंस्पायर होकर के डी ब्रोगली जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक अपना हाइपोथेसिस दिया, उन्होंने कहा कि लाइट पार्टिकल भी हो सकता है और एक वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के नाम से वो फेमस हुए। अब इस चीज को वेरीफाई करने वाले और स्ट्रांगली जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के साथ वेरीफाई किया, इस कंसेप्ट को दिया कि जो लाइट है लाइट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, और उस चीज को प्रॉपर हम कह सकते हैं जो नोबेल प्राइज के द्वारा भी इन्होंने बताया कॉम्पटन शिफ्ट या कॉम्पटन इफेक्ट के माध्यम से, वही ये टॉपिक है, इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंस रखता है। मैं बात करूं इंपॉर्टेंस की तो जब World War II जिस समय चल रहा था, उस समय जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स का डेवलपमेंट था, इन्वेंशन था, या कहें कि जो फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब जो बना था, उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले हुआ वो इसी कॉम्पटन इफेक्ट का हुआ, कॉम्पटन की इसी थ्योरी का हुआ था, इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइज फॉर्म में एनर्जी होती है, आइंस्टीन बता चुके थे, आइंस्टीन की रिलेटिविटी की थ्योरी आ चुकी थी जो 1905 में लोगों के बहुत कम समझ में आती थी, उस टाइम पर आइंस्टीन की इसी थ्योरी का और पुराने कंसेप्ट का कंक्लूजन करके
कॉम्पटन ने इस इफेक्ट को, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था। तो इसकी ये तो बेसिक बातें हैं जो कि एग्जाम में तो खैर नहीं लिखनी होती हैं, बट जो एग्जाम में लिखना है इसका आंसर चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, दो तीन मैंने क्वेश्चन पूछ कहे थे उनका आंसर सामने मैंने लिख दिया है पहले से, ताकि आप अपने एग्जाम में एज इट इज लिख पाए। तो क्या है इसको आप पॉज करके देख लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूं। तो इस पार्ट को आप पॉज करके देख सकते हैं, तो इसको मैं डिटेल में आपको बताता हूं ताकि ये समझ में आ जाए। तो कैसा फिनोमेना है जिसमें मैंने भी बताया आपको कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, ये कैसी है फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है उन चीजों को डिटेल में बात करूं। तो इन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक एक्सरे ट्यूब ली थी और इस एक्सरे ट्यूब से बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की थी, जिसमें अगर मैं बात करूं कई किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी थी, ऐसे पार्टिकल्स लिए इन्होंने, एक्सरे फोटोन जिसे हम कह सकते हैं। तो इन्होंने जो ये कंसेप्ट था, जो इसकी डेफिनेशन वाइज है उसको मैं बताता हूं कि व्हेन ए मोनोक्रोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे बीम इज स्कैटर्ड बाय अ सब्सटेंस ऑफ कार्बन ब्लॉक देन द स्कैटर्ड रेडिएशन कंटेन्स चेंज्ड एंड अनचेंज्ड वेवलेंथ। This effect is known as Compton effect, and the difference between this change and unchanged wavelength is known as Compton shift. तो ये तो एक bookish language है कह सकते हैं, जो आपको proper exam में लिखनी चाहिए, आप इसे अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। तो इसी को मैं बता देता हूं कि ये क्या है। तो Compton ने जब इस चीज को verify किया कि कोई X-ray के फोटोन ले हाई एनर्जी पार्टिकल्स के फॉर्म में, उसको किसी भी पार्टिकल में से एक एग्जांपल ले लूं कि व्हाइट चौक एक एक्सरे का बीम है और ये येलो चौक कोई इलेक्ट्रॉन है, और किसका इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल, कौन से मटेरियल का है, कार्बन का। इन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट में जो ब्लॉक लिया था वो कार्बन यानी कि ग्रेफाइट का लिया था, इस पर एक्सरे बीम इस तरीके से इन्होंने इंसिडेंट करी, और इंसिडेंट करने के बाद जो स्कैटर्ड बीम आई ऑब्जर्वेशन में, उस स्कैटर्ड बीम को इन्होंने जो ऑब्जर्व किया तो इन्होंने क्या देखा कि कुछ पार्ट उसमें ऐसा था जिसकी फ्रीक्वेंसी बदल जा रही थी, और कुछ पार्ट ऐसा था इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी का जो सेम एज इट इज रह रहा था। तो इन्होंने इसी चीज को जब ऑब्जर्व किया तो इसी इफेक्ट को कहा था कॉम्पटन इफेक्ट। और वो जो चेंज मिला, यानी कि अगर मैं मान लू कि एक वेवलेंथ लैम्डा जो इंसिडेंट हुई और जो चेंज हो गई वो लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश और लैम्डा के बीच में जो अंतर है, वेवलेंथ के बीच में जो अंतर है, उसी को उन्होंने कहा था कॉम्पटन शिफ्ट। और इस चीज को इस फॉर्मूले से डिनोट किया जाता है 2 मार्क्स में, जब भी ये क्वेश्चन आएगा चाहे कॉम्पटन इफेक्ट पूछा जाए या कॉम्पटन शिफ्ट, आप इस इक्वेशन को या इस फॉर्मूले को कह सकते हैं जरूर लिखें, ताकि 2 मार्क्स आपके बिल्कुल पक्के हो जाए। तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, जिसे हम कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं, डेल्टा लैम्डा भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है, डिफरेंस बिटवीन दी वेवलेंथ, ये चेंज्ड वेवलेंथ है और ये अनचेंज्ड वेवलेंथ है, चेंज्ड फ्रीक्वेंसी अनचेंज्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में डिफरेंस अंतर। और इस अंतर में यहां से हम क्या देखते हैं कि जो चेंज आता है या जो कॉम्पटन शिफ्ट होती है, ये तीनों चीजें होती है कॉन्स्टेंट। तो कॉम्पटन शिफ्ट जो होती है वो केवल किस पर डिपेंड करती है, एंगल पर डिपेंड करती है, फाई एंगल, जो कि रिकॉइल इलेक्ट्रॉन का एंगल है, जो स्कैटरिंग एंगल है इलेक्ट्रॉन के लिए वो है ये फाई। तो ये कहां से आई है ये इक्वेशन या फॉर्मूला कहां से जनरेट हुआ है, इसको हम डिटेल में पूरा अगले लेक्चर में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। तो ये इसका कंसेप्ट है, इसको मैं थोड़ा सा फिगर से और आपको क्लियर करता हूं कि इस कॉम्पटन इफेक्ट में या कॉम्पटन स्कैटरिंग में होता क्या है। इसमें एक कार्बन का मैं ब्लॉक ले लेता हूं, सपोज कर लेते हैं कि ये कोई कार्बन का ब्लॉक है, और इस कार्बन के ब्लॉक में मान लेते हैं कि इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, और हम सभी जानते हैं कि जो कार्बन का ब्लॉक है इसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां से कोई मान लेते हैं कि कोई बीम इस तरीके से वेवलेंथ है, जिसकी वेवलेंथ लैम्डा वेवलेंथ है, ये क्या है, एक्सरे है, और कैसी एक्सरे है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, फिक्स वेवलेंथ है लैम्डा, चेंज नहीं हो रही है, एक
पर्टिकुलर वेवलेंथ की हमने एक्सरे बीम इस पर इंसिडेंट कराई है। ये आ कहां से रही है एक्सरे बीम, किसी एक्सरे ट्यूब से निकल करके आ रही है और ये इसके आउटर मोस्ट पार्टिकल पर, किस चीज का पार्टिकल है, ये एक कार्बन का ब्लॉक है, ग्रेफाइट ब्लॉक था जो उन्होंने अपना एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया था वहां पर। और इससे जब ये टकराता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करके इस डायरेक्शन में कुछ सपोज कर लेते हैं कि चला जाता है, और अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज ना हो तो मैं कहूं कि ये लैमिनर है इसकी वेवलेंथ, और अगर ये चेंज हो जाएगी तो इस तरीके से इसको मान लेते हैं कि ये हमारे थीटा डिग्री से चेंज हो रही है तो इसकी वेवलेंथ लैमिनर डैश हो जाती है। और यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा कहलाता है रिकॉइल या स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वेवलेंथ कहलाती है स्कैटर्ड वेवलेंथ। तो ये फिनोमेना है हमारा जो कहलाता है कॉम्प्टन स्कैटरिंग, जिसमें फिर से बता दूं कि एक हाईली मोनोक्रोमेटिक हाई फ्रीक्वेंसी की बीम जो है इंसिडेंट की जाती है किसी एक फोटोन पर, सिंगल इलेक्ट्रॉन पर फोटोन यानी कि इंसिडेंट हो रहा है, और ये फोटोन जा रहा है फाई एंगल से, थीटा एंगल से इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसको मान लेता हूं मैं फाई एंगल से इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन या एंगल डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, हमने समझने के लिए एग्जांपल के लिए जो मोस्ट कॉमन एंगल्स हैं वो ले लिए हैं। किसी किसी बुक में आपको यहाँ पे कॉस थीटा भी मिल सकता है, उसका मतलब होगा कि ये थीटा वाली वैल्यू यहां कंसिडर की गई होगी, यहां पर हमने फाई इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर हो रहा है उसका एंगल कंसिडर किया है। तो इसमें क्या देखते हैं हम कि ये जो लैम्डा वेवलेंथ दी थी हमने, जिसकी वेवलेंथ कितनी थी लैम्डा, इसकी फ्रीक्वेंसी कैसी थी, बहुत हाई थी, हाई फ्रीक्वेंसी गई, और जब ये टकराया, जैसे एक बॉल है बहुत तेजी से आप किसी दूसरी बॉल पे मारिए उसको, और वो दूसरी बॉल कैसी है, रेस्ट में रखी हुई है, स्टेशनरी कह सकते हैं या रेस्ट के मोड में कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो हो, उस पर अगर करेंगे स्ट्राइक तो क्या होगा कि जो पहली वाली जो बॉल होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अब वही काम यहां पर भी हुआ, तो यहां पर जब फ्रीक्वेंसी कम होती है तो हम कहते हैं कि उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, तो वो वेवलेंथ बढ़ करके कितनी हो गई है, वो हो गई है लैम्डा डैश। तो इन दोनों वेवलेंथ के बीच में ही जो डिफरेंस होगा लैम्डा डैश माइनस लैम्डा, उन दोनों का डिफरेंस ही कहलाता है कॉम्प्टन शिफ्ट। और अगर मान लीजिए यहां से कई सारे फोटॉन्स दिए तो कुछ टकराएंगे, मान लीजिए कुछ हो सकता नहीं भी टकराएं और वो सीधे सीधे स्ट्राइक कर रहे हैं, वो अपनी वेवलेंथ को ना चेंज करें तो वो वेवलेंथ एज इट इज लैम्डा ही रहेगी। तो ये जो कंसेप्ट है इसी कंसेप्ट को कॉम्प्टन ने 1923 में प्रॉपरली ऑब्जर्व किया और फिजिकल रिव्यू जर्नल में पब्लिश किया, और इसी थ्योरी को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में इसके हम देखेंगे डेरिवेशन के कुछ इंपॉर्टेंट की स्टेप्स, तो मिस मत करिएगा अगले लेक्चर को, जरूर इसको समझिएगा। तो अभी के लिए मैं इतना ही रखता हूं इस टॉपिक को, और अगले लेक्चर में समझते हैं इससे रिलेटेड डेरिवेशन के पार्ट को। थैंक यू।